सर आपके बारे में बताइए और आज जो गाना शूट हो रहा है उसमें क्या कुछ दर्शकों को सुनने को मिलेगा? बिल्कुल, मैं कुमार सपन, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर। इस गाने को मैंने बनाया था आइटम प्लस कॉमेडी, उस हिसाब से, क्योंकि कुछ अलग है गाना, आइटम भी और कॉमेडी दोनों चीज़ है इसमें। तो इस गाने दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, कुछ अलग टाइप का गाना आ रहा है। क्या कुछ है आप इसमें, किस तरह के कास्ट के बारे में बताइए, क्या कुछ इसमें मसाला आपने डाला? इसमें मसाला डालने, देखिए क्या है गाने का कि आंख मत मारो डालो मुझ पे डोरे, और ऐसा ना हो कहीं पट जाऊं छोरे। लड़का जो है हीरो बोलता है वो सीधा साधा भोला भाला, कि मैं हूँ सीधा साधा, मैं हूँ भोला भाला, हरदम जपते रहता हूँ मैं कंठी माला, क्योंकि मैं हूँ रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। और उन्होंने गुरु के भूमिका मुकुंद जी निभा रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है थोड़ा रोमांटिक टाइप के हैं, उसी को चेला है हीरो। तो गुरु जी बताइए किस तरह का आपका रोल है? जी मैं मुकुंद महाले, जबरदस्ती एंटरटेनमेंट ये मेरी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। इसके पहले अभी गेम ऑफ लाइफ फिल्म मेरी पूरी हो चुकी है, वो जल्द रिलीज होने वाली है। और अभी ये जो गाना है हमारा पहला एल्बम सॉन्ग है जो इन्होंने गाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने एक्चुअली शूटिंग की, इसका गाना रिकॉर्डिंग कृष्णा स्टूडियो में किया, बहुत अच्छी जगह पे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है, और अच्छी अच्छी लोकेशन पे अभी हम लोग शूटिंग भी कर रहे हैं, वीडियो शूटिंग। तो ये हमारे साथ में जुड़े अग्निश मैडम जो है वो कोरियोग्राफर है, उनके हस्बैंड भी है वो भी कोरियोग्राफर है, और जो स्टार कास्टिंग हमारे साथ में है वो शिवम जी है, और शिवम गौर जी है, और चेल्सी नेगी है, जो उभरे कलाकार करके उभर रहे हैं, और उनका जोश और कलाकारी देख के मुझे लगा कि ये गाना उनको उनके हाथ में सौंपा जाए, तो इसलिए हमने चालू किया है। गाना किसने लिखा है? गाना लिखे अनिल सिंह ने लिखे हैं गाने, और म्यूजिक प्लस सिंगिंग मैंने किया, और इसमें फीमेल सिंगर है तृप्ति सिन्हा, उसने गाई। जो कलाकार हैं कि पहले बहुत सारे काम कर चुके हैं, कि ये मैं टी सीरीज के लिए कम से कम 100 एल्बम कर चुका हूँ, और टी सीरीज, जी म्यूजिक, वी फॉर यू, शेमारू, सारी जितनी भी कंपनी सब में मैं गा चुका हूँ। ठीक है। फिल्म किया था मैंने अनुपम खेर, मनीष कौर, अमिताभ बच्चन के लिए भी मैं गाया हूँ गंगा पिक्चर में। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में? आप लोग इस गाने में कास्ट में हैं और गाना शूटिंग हो रही है, ऑन लोकेशन शूट हो रहा है, तो कितना इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग, कितना कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं चैनल देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम भरद्वाज, इस सॉन्ग का एक्टर, और हमारे साथ हीरोइन है चेल्सी नेगी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये गाना बहुत ही प्यारा है, मतलब आज की जनरेशन को देखते हुए इतना अच्छा गाना है, रोमांस भी है, आइटम भी है, और फुल ऑन मस्ती है। तो बाकी ऐसा है कि मैं अभी था नहीं, मैं ऑलरेडी शूट पे था यूपी में, बट मेरे प्रोड्यूसर सर का और मेरी मैडम का फ़ोन आया कि भाई हम लोग गाना कर रहे हैं। मैंने गाना जब सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं दौड़ता हुआ आया, मैंने एक दिन भी नहीं लगाया यहाँ आने में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे अपोजिट में चेल्सी जैसी एक्ट्रेस थी, तो मुझे काम करके और भी मज़ा आ रहा है। और शिवम बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है इनके साथ एक्ट करते हुए, परफेक्टली एक्टिंग करते हैं वो मेरे साथ, बिकॉज एक अच्छा बॉन्ड होना भी ज़रूरी है, अच्छा आर्टिस्ट दिखना भी चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस लोकेशन में। बाकी हमारा जो कोरियोग्राफर है, डांसर जितने भी है, सब लोग परफेक्टली बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, हम इन्जॉय बहुत कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इस टीम, इन गाने की टीम के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूँगा। ये जागृति इंटरटेनमेंट के बैनर तले ये गाना शूट हो रहा है, जिनके प्रोड्यूसर हैं मुकुंद महाले जी, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं कुमार सपन जी, और डायरेक्टर हैं हमारे रॉनी हैमिल्टन, एंड कोरियोग्राफर द फेमस कोरियोग्राफर एग्नेस हैमिल्टन। और मैं बहुत ग्लैड फील कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े ग्राफ के साथ में काम कर रहा हूँ, हम दोनों ही। हाँ, इससे पहले इस तरह के गानों में आपने काम किया है, इस तरह से रोमांटिक है, कॉमेडी, बहुत सारी चीज़ें? मैंने गानों में पहले ऐसे काम नहीं किया है, अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इससे पहले मैं मॉडलिंग करती थी, बट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा फन है यहाँ पर। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, सब बहुत ज़्यादा अच्छे है, सो सबको मैं थैंक यू डेफिनेटली बोलना चाहूँगी। मैम सबसे पहले अपने बारे में बताइए और इस गाने के बारे में बताइए कि कितना रीटेक हो रहा है, कितना गाने में आप इंक्लूड होकर कोरियोग्राफी कर रहे हैं, मतलब किस तरह का थीम आपने तैयार किया है कि लोग पसंद करेंगे? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमस्ते करते हैं, गुड आफ्टरनून सबके लिए, पूरे मीडिया को,
अगर मीडिया नहीं तो हम नहीं है। तो इसके लिए मैं शैलेश का, रफ्तार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर मेरे प्रोजेक्ट में वो रहता है। और सेकंड में ये बोलना चाहती हूँ, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है कुमार सपन, उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया और मुझे अपने बहन मानता है, एल्डर सिस्टर, तो उन्होंने मुझे ये गाना दिया। उसके बाद प्रोड्यूसर से मैंने बात किया, मुकुंद, और उन्होंने देखा कि नहीं, ये लेडी बहुत अच्छी है, तो इस लेडी के साथ ये काम करना चाहिए। तो तुरंत, टाइम नहीं लगाया, दूसरा दिन हमारे प्रोड्यूसर जी इतने अच्छे हैं, तुरंत भाग के आए मेरे पास और मेरे साथ डिस्कस करके ये गाना मुझे दिया और तुरंत साइनिंग अमाउंट मिल गया मुझे। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सेकेंड हीरो इज शिवम, इज़ अ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत काबिलदार है और ये बहुत आगे बढ़ेगा, इज़ अ वेरी गुड टैलेंटेड। तो मैं उस, वो भी मेरा फ़ैन है और मैं भी उसकी फ़ैन हूँ। सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट हीरोइन, दैट इज़ सॉरी सेल्फी, एंड शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड एक्सप्रेशन, एंड हमें कॉपरेट कर रहे हैं पूरे डांसर्स पूरे फील्ड। और दूसरी मेरी बेटी शिल्पी जा, शी इज़ अ न्यू कमर, तो इस लड़की को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ कि ये न्यू है और ये आगे बढ़ेगा, मेरा पूरा आशीर्वाद है। इसमें इसका अच्छा रोल रखा है मैंने, कि थोड़ा सा जो जो बुड्ढा रहता है वो टर्की जैसा रहता है, मतलब लाइन मारता है लड़की को, तो उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं मेरे प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर, हीरो और हीरोइन और पूरे शिल्पी और पूरे टीम के, और मेरे हस्बैंड रॉनी हैमिल्टन, वो मेरे साथ है, और मेरी बेटी भी कोरियोग्राफर है फ्लोरेंस हैमिल्टन, और मेरा असिस्टेंट राज, वो भी बहुत मेहनत किया, और पूरे कैमरामैन हमीद, बहुत अच्छे कैमरामैन है, पूरे टीम बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। अभी शिल्पी एक्सपीरियंस आगे का गाने के लिए तैयारी है, अच्छा है, और अभी बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैम बहुत सपोर्ट करती है, और हमारे को एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है, और आगे भी लाइनअप है दो तीन काम, तो थैंक यू सो मच। बात करें एग्नेस मैम की, तो एग्नेस मैम से किस तरह से मुलाकात हुई, किस तरह से परिचय? एग्नेस मैम मेरी और एग्नेस मैम की मुलाकात डांस से हुई है, और बहुत अच्छी लेडी हैं ये, और बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत हेल्पफुल। बताइए अभी तक इस गाने को लेकर कहाँ कहाँ पे चल रहा है? अभी हम लोगों ने 3 लोकेशन पे शूट किया, एक बाहर किया, एक थोड़ा सा वो वाला एरिया शूट किया, गार्डन वाला एरिया, और एक ये लोकेशन शूट कर रहे, तो ऐसा वाला सीन है। क्या लगता है गाना कब तक आज खत्म होगा, ऐसा कुछ चांसेस? ये अराउंड 10 o'clock खत्म हो जाएगा, 10 o'clock ये गाना खत्म हो जाएगा। मैडम के साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन? मेरा तो फर्स्ट टाइम है मैडम के साथ में, मगर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैडम बहुत कूल है, अच्छे है बहुत, और मैं मुंबई से बाहर था, मैम का मुझे कॉल आया कि हमारा ऐसा था शूट है तो आप करना चाहोगे? मैंने बोला हाँ मैम मैं आऊँगा, बस मैं करता हूँ। मैंने गाना सुना, गाना मुझे अच्छा लगा, मैम को मैंने थोड़ा सा नरेशन दिया, मैम का नरेशन सुना मैंने, मैम ने डन हम लोग करते, हम लोग आज फ्लोर पर आ गए शूट करने के। और मुझे भी अच्छा लगा कि कैमरामैन, फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही हूँ, मैं सीनियर हूँ, बट बहुत अच्छा कोऑपरेट और अच्छा एंगल्स वगैरह लगा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी शूट कर रहे हैं, और हमारा शिवम भी बहुत साथ दे रहा है इस मामले में। और मेन तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कुमार सपन जी का, जिन्होंने मुझे ये गाना दिया है, और भी आगे हम काम करेंगे, और सब प्रोड्यूसर का तो बहुत धन्यवाद, इनको तो लेके जाने वाली हूँ, इसके लिए धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।